शहर के बीते 17 मार्च से लॉकडाउन के कारणवश बेरोजगारी की मार झेल रहे पान पट्टी चालकों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। ऐसे में दीगरा शहर पान पट्टी एसोसिएशन ने बुधवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए पालक मंत्री और जिलाधिकारी से पान पट्टी व्यवसाय शुरू करने की मांग की है। सारी दुनिया पर किसी आफत की तरह टूट पड़े कोरोना का संकट बेरोजगारी और मानसिक तनाव का कारण बन गया है। बीते 3 से 4 महीनों से लगातार जारी बंद कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते क्या बड़े और क्या छोटे हर तरह के व्यवसाय और विभिन्न उद्योग क्षेत्र कोरोना की मुसीबत के आगे एक एक कर धराशायी हो रहे हैं। नतीजतन छोटे व्यवसायी एक तरह से आर्थिक बर्बादी की कगार पर है। यही वजह है कि दिगरा शहर पान पट्टी एसोसिएशन के सदस्य ने इकट्ठा आते हुए बुधवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर पान पट्टी व्यवसाय को शुरू करने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी आर्थिक समस्याओं का बखान किया। हमारा ये बोलना है कि सभी जनों के लिए खुला दिया गया है। हम जो पान पट्टी के धंधे करने वाले रोज मजूरी वाले लोग है, हम जब तक के कमाएंगे नहीं जब तक के खाएंगे क्या। इसलिए हमारा शासन से निवेदन है, ये विनंती है कि कम से कम हमको थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए शासन ने, और हमको हमारी रोजी रोटी कमाने का मौका देना चाहिए, वरना हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने क्या करना चाहिए। नहीं तो हमारा कोई पर्याय शासन ने करना चाहिए कुछ को भी। मालूम हो कि सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने बीते 17 मार्च से तंबाकू जन्य पदार्थों की बिक्री सहित पान पट्टियों पर पाबंदी लगाई थी, जो अब तक जस की तस है। ऐसे में लगभग बीते 5 महीनों से पान पट्टी व्यवसायी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन ने हाल ही में बहुत से कारोबार और व्यवसाय को शुरू करने की छूट भी दी है, लेकिन पान पट्टी व्यवसायिकों को लेकर प्रशासन की अनदेखी जो कि त्यों बनी हुई है। यही वजह है कि अब वे रास्ते पर उतरने को तैयार है। या राज्यातील या देशातील सर्वच व्यवसाय साधारण सुरू झालेले आहे। फक्त व्यवसाय राहणार पानपट्टी धारकांचा हा व्यवसाय फक्त बंद आहे। हा व्यवसाय सुद्धा सरकारचे कोविड-19 चे काही नियम असतील ते नियमांचं पालन करून हा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी देण्यात यावी। त्या 24 तासात शासनाने मागणी मान्य न केल्यास त्या दिग्रस शहरातून या राज्यातून सगळी जनता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। आमचा व्यवसाय जर उघडला नाही तर आमच्यावर भूकमारीची पाळी येणार आहे, आणि हे जर आमची मागणी पूर्ण झाली नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरू असं आम्ही आवाहन करतो आज। गौरतलब है कि पानपट्टी के तहत बिक्री किए जाने वाले कई पदार्थ ऐसे है जिसकी बिक्री से सरकार को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होता है। तंबाकू सहित विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी लगा दी जाने से पानपट्टी व्यवसाय मुसीबत में पड़ गए हैं। उनकी मांग है कि या तो उन्हें पानपट्टी शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाए या फिर उनके लिए रोजगार का कोई विकल्प दिया जाए। देखना होगा कि आने वाले दिनों में पानपट्टी व्यवसायिकों की उपरोक्त मांगों को लेकर सरकार क्या फैसला करती है। दिगरा से NBC News के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।